जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, ई रवि किशन साहब कहना। लेकिन हम बता दी तोहके रवि किशन साहब कि ओकरी बाद भी आदर्श आनंद बा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। कहते हैं ना कि जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, अरे जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे, अरे खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। क्या बात, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, और बहुत मोहब्बत, बहुत जोशो जज्बात के साथ आप जो मेरा स्वागत किए हैं, हम ये सोच नहीं सकते थे, क्योंकि बड़े शांत, कहते हैं ना कि जो नदी का पानी होता है, गंगा की जो पानी होती है, सागर की जो पानी होती है, वो ऊपर से शांत दिखता है, बट उसके अंदर की जो हलचल होती है ना, बहुत तेज़ होती है, तो वो तेज़ है आप। चलिए, आपने मुझे उस काबिल समझा है जितेंद्र आजीवन ऋणी है, लेकिन कहानी यही नहीं ख़त्म हो जाएगी, कहानी तो अब मैं लिखूंगा। मैं कहता हूं ना कि सभी लोग इतिहास लिखेंगे, लेकिन जितेंद्र भूगोल लिख कर जाएगा, उस भूगोल में एक आनंद साहब भी शामिल होंगे। बहुत आनंद से ये वीडियो देखिए, मज़ा आएगा, और मज़ा ही नहीं आएगा, एक अलग आपको जीने का तरीका भी सिखाएगा इनको देखकर। लोग कहते हैं कभी कभी कि आदर्श एक अलग व्यक्ति है। मैं कई लोगों से कहा कि मैं उस मिट्टी के जवान से मिलना चाहता हूँ, उस मिट्टी की हरियाली से मिलना चाहता हूँ, जिसकी अगर हम बहुत काफ़ी तारीफ करें वो शब्द छोटा पड़ जाता है। आज हमारे बीच में है आप, पहले तो कैसा लग रहा है हमसे मिलके आपको? आपसे मिलने के लिए तो सभी लोग बेताब होते हैं, लेकिन हमसे मिलके आपको कैसा? मैं बहुत ही मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं आपसे मिलकर कैसा महसूस कर रहा हूँ। जी देखिए, क्या है ना कि हर रोज़ कोई ना कोई शख्स मुझसे मिलने के लिए आता है जी, और बहुत कम ऐसा लोग होता है, ऐसे लोग होते हैं जो छाप छोड़ पाता है, तो छाप आपने छोड़ दिया है। और कहते हैं ना कि आते जाते खूबसूरत आवाड़ा सड़कों पर, कभी कभी इत्तेफाक से इतने हसीन लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, ये उन याद रहने वालों में से हैं। तो आप मतलब आप बहुत बड़े यूनिक हैं, आपका स्टाइल बहुत अलग है, और बड़े बेबाकी के साथ आप बोल रहे हैं, बड़े बोल्ड अंदाज में बोल रहे हैं आप। आई थिंक ऐसा जो पत्रकारिता आप कर रहे हैं, ऐसा हुनर और ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों में देखने के लिए मिलता है। और स्टार्टिंग में आपने एक बात कही थी ना कि मैं जितेंद्र दिव्यांग, तो मैं आपको ये बताऊँ कि आप भले अपने आप को ऐसे करके बता रहे हैं लोगों को, बट आप जितेंद्र दिव्यांग नहीं है, जितेंद्र द स्टार हैं आप। अरे और आज से लोग, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जितेंद्र द दिव्यांग आप इन लोगों को बोलते हैं, बट जितेंद्र द स्टार आप बोलिए इनको, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोगों में होता है जब कभी भी इनका, देखिए इस जिस जज्बात के साथ ये माइक को पकड़े हुए हैं, और जिस तरीके से माइक पकड़े हुए हैं, मैं चाहूँ तो माइक को अपने हाथ में लेकर भी पकड़ के बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, इनका जो हौसला है ये बता रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त आप अपने सपने को साकार और जग कर आप काम कर सकते हैं, तो ये वो कर रहे हैं, तो सैल्यूट है आपको, हैट्स ऑफ, आप बहुत बहुत काबिले तारीफ काम कर रहे हैं आप। और मैं आपको बताऊं कि पत्रकारिता में मीडिया के जितने भी लोग मुझसे मतलब इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, यू आर द मोस्ट कहते हैं ना कि सबसे यूनिक पर्सनालिटी में से मिला हूँ मैं आज, बहुत अलग पर्सनालिटी, अलग पत्रकार से मैं आज मिला हूँ, सो मुझे बहुत खुशी है, बेहद खुशी है। सो गाइज, इनको सपोर्ट करें, इनको प्यार दें, इनका साथ ना छोड़ें, बस यही चाहते हैं। लोग कहते हैं ना कि धरती से अगर जुड़ जाए वो चमन होता है, इस चमन को हम अगर कुछ भी कह दें तो कहीं ना कहीं हमारी खामोशियों पर दाव लग जाएगा, लेकिन खामोशी अभी समाप्त होगी भी नहीं। गांव का गंवार करेगा क्या, गांव का वो प्यार करेगा क्या, लेकिन गांव का ही लोग आज अगर बड़े बड़े शहर में ना जा तो शहर कल शमशान बन जाएगा,
पता भी नहीं चलेगा। मैं ये भी नहीं पूछूंगा आपसे कि आपकी, मैं बहुत सारे पत्रकार आए और बहुत लोग आकर पूछते हैं यही कि आदर्श जी आपकी जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, आदर्श जी कैसे सोचे थे, लेकिन मैं ये सवाल कतई नहीं पूछूंगा कि आदर्श जी आपने इसको शुरुआत कैसे किया। आदर्श जी आप लोगों के प्रति जो आदर्श आज है, आप ये आदर्श और किन किन लोगों के लिए आदर्श बनने जा रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप आए हैं हमारे पास जी। और कहते हैं ना कि आप आए हैं इस बगिया में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, फूल खिले हैं फूल, बहुत ही गुलशन वाला फूल खिल चुका है। और मैं किन किन लोगों के लिए आदर्श बन रहा हूँ या फिर मैं हो रहा हूँ इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट लोग कहते हैं, लोग जब कहते हैं कि ईमेल करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि आदर्श आप मेरे आइडियल हो, आपसे इंस्पायर होते हैं आप मेरे इंस्पिरेशन हो, तो मुझे बहुत वो चीज़ छू जाती है। मुझे लगता है कि मतलब मैं ऐसा हूँ क्या चीज़ जो कि मुझे मतलब इतने ज़्यादा लोग तवज्जो दे रहे हैं, इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता, मैं कंफ्यूज रहता हूँ। हीरो अगर देख लिया जाए, हीरो लोग कहते हैं उसको, हीरो कहते हैं जो मुंबई में जाके मुंबई की सपनों की नगरी में जाता है और अपने आप को थिरक के दिखाता है, क्या वही हीरो है? अरे मिट्टी वाला हीरो है, मिट्टी वाला हीरो जहाँ लग जाएगा ना तो छाप छोड़ देगा, और छाप एक अलग अंदाज में छोड़ चुका है, बताने की जरूरत नहीं है जितेंद्र को। कहीं ना कहीं लोग जहाँ से कहते हैं कारे बाबू तू आड़ी बाड़ी से आया है, उस आड़ी बाड़ी को इतना ब्रांड बना दिया कि आज आंगनवाड़ी भी सोचती होगी वाह रे क्या आंगनवाड़ी है। हम उस आपके जितने लोग आपके साथ काम करने वाले आड़ी बाड़ी वाले से भी मिलना चाहूँगा, और आपके साथ जो काम करते हैं सर मैं उनसे भी मिलना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल बेशक जी, बेशक मैं कोशिश करता हूँ सबको बुलाने की। यारे गाइस देख रहे, अरे बाप रे बाप, देखिए 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 ई कौन है भाई, ई कौन है, ई कौन है, ई कौन है, ई कौन है, कौन है तू बता दो, कौन है बताओ, कौन हो बता, इसको किस क्यों कर रहे हो भाई बताओ ना, इसको चुम्मा लेने आए हो तुम, नाम बताओ, नाम बताओ, कौन हो, क्या नाम है, है? गोलू। नहीं 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 आड़ी बाड़ी वाले तुम ही हो, क्या नाम है? गोलू। कहाँ पढ़ते हो? आड़ी बाड़ी में। हाँ कहाँ पढ़ते हो? आड़ी बाड़ी में। ये कहाँ है? हाँ ये कहाँ पढ़ता है? आड़ी बाड़ी कहाँ पढ़ता है? तो बहुत बड़ों का साथ लेना पड़ता है, लेकिन बच्चों के सहयोग से, बच्चों के सहारों से ये कैसे थॉट आया कि बच्चों के बीच में रह के आज भी आपका बचपन गया नहीं, भले ही आप जमा है, दिखते हैं कि आदर्श आनंद तो जमा है, हुस्न वाला है, लेकिन इस बच्चों में कौन सा मतवाला है जो एकदम मतवाले रहते हैं बच्चों के साथ सर? अरे बस देखिए इन लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और बहुत हमारी कोशिश होती है कि मतलब इनके साथ ज़्यादातर वक्त बिताए, और क्या, बस जानते हैं, परखते हैं, कोशिश करते हैं, जब दिखता है कि हाँ बंदा जो जब क्या क्या ही बोलूँ मैं, सबसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत, एक जान है ये लोग। आप भी चाहते तो अच्छे अच्छे एक्टर के साथ, मैंने देखा मिथुन दा, मिथुन नॉर्मल चीज़ नहीं है, मिथुन दा ने आपको सम्मानित किया, स्टेज एक अलग मिला, अलग अलग स्टेज पे आप जाते हैं और मिथुन दा के सामने आप रोने भी लगते हैं, मैं उस वीडियो को आज तक भूल नहीं पाया हूँ, और आपका हर एक वीडियो देखता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका बड़ा फैन हूँ, मैं कह के नहीं साबित करना चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर सिर्फ दिल में होता है, कहने की चीज़ नहीं होती है, और जितेंद्र की भावना को समझने वाला भगवान हो सकता है, आपने जितेंद्र की भावना को समझा इसलिए मैं आपको ईश्वर बोला, ये मत समझिए। अब इस तरह से रहा आप, मैं देखा कि वहाँ पे जाके आप रोने लगते हैं, वो कौन सा घड़ी रहा जिस वक्त आपको रोने की मतलब इस तरह से हो गया, कौन सा उपल था? ये देखिए क्या, हर एक इंसान की लाइफ में एक ऐसा मतलब दर्द होता है, दर्द छुपा रहता है जिसे वो याद करने के बाद या पास्ट में जाने के
बाद वो रो देता है, उनकी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। जी बेशक, अश्क आ जाते हैं। साड़ी पहने हुए थे, साड़ी के घूंघट की आड़ में दिलबर का, वो तो आपने गाना सुना दिलबर वाला था, लेकिन वो घूंघट क्या रहा, ऐसा क्या था कि दुल्हन जब विदा होती है तब रोती है, लेकिन आपका वो दर्द देखकर मुझे लगा कि वो दुल्हन नहीं है, उस दुल्हन के घूंघट में वो आगे वो छुपा हुआ है जिसको हम परख नहीं पाते हैं, ऐसा भी आपने किया। तो ये एक्चुअली ये था कि देखिए उस लिबास में भले वो आदर्श, उस लिबास में भले वो कैरेक्टर में प्ले कर रहा था, बट वो उसके अंदर की जो चीज़ें थी वो था आदर्श, और आदर्श की क्या सच्चाई थी वही बयां हो रही थी। और कहते हैं ना कि जब जब बड़े, आपने बोला ना कि मिथुन कोई नॉर्मल सी चीज़ नहीं है, तो मैं भी देखता था उनके मूवीज़ देखा करता था, जब मूवीज़ देखता था ऑब्जर्व करता था, बोलते थे ए सलाह क्या है, इतनी मौत मारूंगा, इतनी कुत्ते की मौत मारूंगा कि तू हंसना भूल जाएगा। तो मतलब ऐसा ही जब मैं मूवीज वगैरह देखता था तो मैं ऑब्जर्व करता था उनको, साक्षात अगर आप जब देख ले रहे हैं टीवी पे, मतलब आप तो टीवी पे देख रहे हो बट मैं उनको सामने से देख रहा हूँ, टच कर रहा हूँ उनको, तो वो चीज फील कर गया। और इतने बड़े जैसे बड़े आज मैं फील कर गया, सच में आपको टीवी में देखता था मैं। अरे और आज मुझे आप टच कर रहे हैं तो लग रहा है कि वाकई। अरे फिर से आपने डबल ऊर्जा दिया और कहा कि बेटा जितेंद्र तुझे रुकना नहीं है ना झुकना है, तुझे और ऊर्जा के साथ ऐसा कुछ कर देना है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाए। बिल्कुल, और लोग सोचने पर मजबूर हो भी रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि आप एक ऐसे शख्स हैं, आप ऐसे अलग शख्स आप आए हैं, ऐसे शख्सियत हैं आप कि आप स्वयं में आप एक स्टार हैं, ठीक है। और अगर आप मुझे स्टार कहते हैं, हीरो कहते हैं, तो आपका नज़रिया हीरो वाला है, क्योंकि आप खुद एक हीरो हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो बोलने का अंदाज है वो हीरोइक, अरे इसलिए आप मुझे वो कहते हैं। सो गाइज एंड रियली वेरी थैंकफुल टू यू ऑल गाइज, एंड माय गॉड, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने दूर दूर से ऐसे भी प्यारे प्यारे लोग आते हैं, जितेंद्र भैया जी जैसे। सो बहुत बहुत शुक्रिया, इतने दूर से आप आए हैं। आप भैया कहाँ से आए? सच बताऊं तो मैं उत्तर प्रदेश से ही आया हूं, और उत्तर प्रदेश मेरा पैतृक आवास रहा, लेकिन पंजाब में हम लोग का रहना हुआ, पंजाब में ही रह गए, लाइफ थोड़ा सा ही रहा। सभी लोग एक जानते हैं पंजाबी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पग बांधता है वो पंजाबी वाला ही पग बांधेगा, आपके बिहार से गुरु गोविंद साहब। बिल्कुल वही तो बोल रहा हूँ, बिहार से गुरु गोविंद साहब भी थे और वो यहीं से हैं, और बहुत लोग मानते हैं उनको, रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा भी रिस्पेक्ट आपके साथ है और उन तमाम पगधारियों के साथ है जो पग पहनते हैं, एक कहते हैं ना कि पग उनकी पहचान है। तो सलाम है आपको, दिल से देख रहे हैं इन सबको, आप देख रहे होंगे मोहब्बत करने वाली लैला भी है और वो छबिलिया भी है जिसको आप हमेशा देखते रहते हैं। कौन साड़ी पहनता है? सब कोई पहनता है। सब कोई पहनता है, इतनी मोहब्बत क्यों? बस गाँव में रहकर आप लोग मुंबई नहीं जाना चाहते हैं? आदर्श के साथ रहना चाहते हैं बस। अरे आदर्श जहाँ लेके जाए वहाँ चले जाएंगे। हाँ कल आदर्श भी आपको अच्छे अच्छे लोग मिल गए, आप लोग से बड़े बड़े मिल गए, भूल गए तो नहीं भूलेंगे। कैसे कह सकते हैं कि नहीं भूलेंगे, आदर्श का इतना प्यार है तो कैसे भूलेंगे। क्या लगता है आपको, आदर्श भी आप भूल जाएंगे? नहीं। मोहब्बत है कि नहीं? मोहब्बत ज्यादा है। ज्यादा है क्यों, दिखा नहीं सकते हैं? लेकिन कहेंगे जरूर कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, आज इस धरती पे अलग मुकाम होगा। आप देख सकते हैं आदर्श आनंद साहब का एक अलग मुकाम है इन बच्चों के साथ। आप लोग भी आएंगे तो आप लोग बच्चों से लोग घृणा करते हैं, हमेशा घृणा करते हैं, लेकिन वही बच्चे आज आदर्श आनंद को एक अलग हीरो बना दिया कि कभी सोचने पे मजबूर। आदर्श आनंद जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह से अगर देखा जाए तो आज दिन पर दिन आप, हमेशा लोग कहते हैं ना कि दिन चौगुना रात के, कैसे कहावत है, आप बढ़ते जा रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी। हाँ, तो ऐसे करते जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री मुंबई के सपनों की नगरी, अगर मुंबई से हमेशा आपको कॉल आता है, अगर किसी के साथ काम करने का मौका मिलता है तो उस वक्त आप क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और काम अगर अच्छा हो, मन लायक हो, और क्योंकि देखिए एक एक्टर कुछ भी कर सकता है, अगर मेरे को कोई बेहतरीन सा रोल भी मिलना, अवेयर करने का हो या फिर सोशली हो, तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा और ज़रूर जाऊँगा मुंबई, क्योंकि देखिए मुंबई सपनों की नगरी है और कहते हैं ना कि अगर पूजा करना हो तो कभी ना कभी मंदिर जाना ही पड़ता है। जी बेशक, है ना, तो वही है, वैसा ही किस्सा है, बट
हमारी कोशिश है कि लोग अगर हमें बुलाएंगे, हमें चाहेंगे, हमें पसंद करेंगे, तो बेशक यह आदर्श वहाँ पहुँचेगा और अपनी जो भी प्रतिभाएं हैं वो दिखाने की भी कोशिश करेगा। और बस जो भी जितने भी सारे डायरेक्टर्स हैं, अच्छा रोल अगर देखा जाए आपके दिल के करीब कौन सा रोल रहता है जिसे आप दिल से एकदम हमेशा चाहते रहे, जैसे मैं देखा कि घर से निकले तो नागिन वाला स्टाइल दिखा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा रहा कि जो आपके दिल में हमेशा रहता है और दिल से उतार के जमी पे रख देंगे पता ही नहीं चलता है कौन सा थॉट कौन सा है? ये देखिए पता नहीं, अब देखिए एक 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 जो एक्टर होता है, मैं जानता हूँ कि आप वो नहीं है, आप ऑल इन वन है, ये भी मैं जानता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ कि आप ऑल इन वन है, लेकिन कोई ना कोई आपके दिल में हमेशा होता कि जमी पे हमेशा जाते हैं तो थिरकते रहते हैं, हमेशा सोच रहता होगा कौन सा होता है, एक्टिंग रहा, वो सॉन्ग रहा या फिर वो मिमिक्री रहा, कौन क्या रहा? मेरे को मतलब जेन्युइनली मेरे को मतलब सीरियस एक्टिंग करने का बहुत शौक है। जैसे कि कोई एक्ट कर रहा हूँ तो उस एक्ट से अगर कोई रो दे, ठीक है, इमोशनल एक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है। पहले मैं करता था, बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब के डिलीट कर दिए, उसका रीज़न कुछ और है। और बहुत सीरियस एक्टिंग पहले किया करता था, एक माँ को लेकर हो, भाई को लेकर हो, एक एक अलग अलग टॉपिक पे मैं किया करता था। और पहले जब मैं थिएटर करता था, दो तीन महीने मैंने थिएटर भी किए, तो ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि जब मैं सीरियस एक्टिंग करता था तो मैं कैसे बताऊं ये चीज़, मेरा मेरा मेरे भाई है, मेरा दो भाई है, मेरी बुआ नहीं है, यानी कि उनकी मम्मा नहीं है, ये शुभम है, ठीक है, अब इनसे वार्तालाप नहीं किए तो ये शुभम है और इनकी मम्मा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें अंदर है ना वो थोड़ी बहुत मतलब फ़नी में ही आए, लोग हंसे, ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मत कुछ कहिए, रुलाने सभी लोग आते हैं लेकिन हंसाने कौन आएगा जी, ये भी है जी। चलिए आप दर्शकों को थोड़ा, जिस तरह से बार बार आप लेडीज की आवाज़ निकालने पे व्याकुल रहते हैं, क्या किसी लड़की से ऐसा तो नहीं कि तकरार हो गया, फिर इनकार हो गया, फिर उससे? नहीं नहीं नहीं, समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को। देखिए व्याकुल तो नहीं रहते हैं, लेकिन आप व्याकुलता के साथ आप पूछ रहे हैं तो आपके लिए हम कर देते हैं, क्योंकि व्याकुल अभी आप हमें लग रहे हैं। तो हम सच्चाई है, देखिए जब से मैं आया हूँ लड़की लड़कियाँ लड़कियों का रिएक्शन भी आप पे बहुत काफ़ी है, मुझे कहीं डर लगता है कि कहीं हवा ना लग जाए। अरे बाप रे, लड़कियों का, लड़कियों का आपके ऊपर, अरे बाप, ये बड़ा खतरनाक होता है। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, तुम आज तो पत्थर बरसा दो कल रोगे मुझ पागल के लिए। और क्या, इश्क को सोग मार देते हैं, हुस्न को रोग मारते हैं, लोग मरते नहीं है कुछ लोग मार देते हैं, ये भी समझ लीजिए। तो ऐसा ना कहिए कि तो मतलब हमारा का झोंका हूँ, ये सब झोंका वाला कहानी खत्म हो, लोग मार दे। अभी आप देख लीजिए बहुत काफी रिएक्शन चला आपके बिहार में इश्क प्यार मोहब्बत में। हाँ बिल्कुल, कितने लोग अब मार देते बोले हैं तो हम भी वो जोक मार देते हैं और शायरी भी मार देते इसी बात पे कि मैंने किसी से प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था जी, मैंने किसी से प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था, पर मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई जितेंद्र भैया जब उसने कहा कि भैया हमने तो सिर्फ मजाक किया था। तो ये वो कांड हुआ है एकदम। तो खैर सभी को बस यही कहना चाहते हैं कि जैसा आपने बोला कुछ डायलॉग हो जाए तो डायलॉग के हिसाब से यही कहेंगे। कल हम लोग इन लोगों के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे थे, देख मुस्कुरा रहा है और हंसो ने कहा हो गया कहा तुम्हारे पास, कहा तुम्हारे पास, अरे बोलो कहा तुम्हारे पास, हाँ अरे खोने के लिए कुछ है कहा तुम्हारे पास, कुछ है कहा बनना चाहते हो? डांसर, डांसर बनना चाहते हो? हमको डांस करना नहीं आता, तुमको कैसे सिखावे? सही बस, हमसे कोई पूछेगा तुम कहा बनना चाहते हो तो हम बोलेंगे चोर। क्यों? दिल का चोरी करेंगे। तो बाजार तो लगी हुई है आपके लिए। अरे अगर दिल का चोरी करेंगे तो बाजार तो लगी हुई है। सबको प्यार है और इसी तरह से प्यार आप लोग बनाए रखिए और प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए और इसी तरह से आप रिपोर्टिंग करते रहिए जितेंद्र भैया। चलिए भैया आपने मैंने बहुत समय दिया और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, चूँकि एक अलग अंदाज के एक्टर हैं और इस गाँव से निकल के आए हैं। मैं हमेशा शुभकामना भी दूंगा और हमेशा कामना भी करूंगा कि ऐसे लोगों जो लोग कहते हैं ना
कि दर्द का हाल एक दर्द वाला ही समझ सकता है। तो एक दर्द से उठकर, एक जमीन से उठकर जहाँ तक इन्होंने प्रयास किया, और उस प्रयास में देखा जाए तो सफलता भी है। मैं कामना करता हूँ कि ऐसे ही ये सफलता के चिड़ियों पे चलते रहें और मैं इनका बार बार आकर कदम चूमूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। इतना नहीं है, बहुत कुछ है अभी। और मैं आप जैसे लोगों के कदम चूमना चाहता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ आप लोगों को, वेलकम है। और ऐसे 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 लोगों को प्लीज़ इनका साथ दीजिए और इनका साथ बनाए रखिए। और यही कहते हैं ना कि आप यहाँ तक आए हैं जी, आप कैमरे के मतलब बिहाइंड द सीन जो कहते हैं, कैमरे के पीछे जब कैमरा ऑफ था तो आपने ये कही थी कि आप यहाँ से आने से पहले झिझक रहे थे कि आदर्श क्या होगा, क्या करेगा, क्या कैसा होगा। नहीं देखिए, थॉट लोगों थॉट आता है, बट मैं कई लोगों से पूछा भी था तो लोग कह अरे मिलता नहीं है, लेकिन मिलने के बाद एहसास हुआ कि दिल के करीब आप जैसा कोई है ही नहीं। अरे अगर दिल भी कम पड़ जाएगा, जगह दिल वाला जगह तो कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोग अगर पहले ही मतलब थॉट बना लेते हैं अपने माइंड में कि आदर्श मिलेगा कि नहीं, ये एटीट्यूड में होगा, ये एटीट्यूड वाला बंदा है, तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ सबसे कि दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कहते रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। तो दिल का हाल दिल वाला ही सुन सकता है। और मुझे ये कहना है, ये कहना है, कहना है इनके लिए, कहना है आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाए हो जीवन में मेरे प्यार, 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 तुम ही तो लाए हो जीवन में मेरे प्यार, 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 हो तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं ये सारी बातें, आज मगर बस आज ही करना है इकरार, तुम ही तो लाए हो जीवन में मेरे प्यार, 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 इनको सपोर्ट दो, साथ रहो इनके, दो इनको प्यार, प्यार, प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट्स मी योर आदर्श, धन्यवाद, थैंक यू सर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे थे मेरा ये यारू, इनको फॉलो करो ना, ए जितेंद्र, ए जितेंद्र, ए छोड़वा, हंसता है री मुंडी नीचे गोद के। तो सुनो, एगो ईटा उठाओ या पत्थर उठाओ या फिर कहते हैं ना कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना उड़ा दू। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग पत्थर उठाओ, चाहे आप लोग कुछ भी उठाओ, लाठी उठाओ, पत्थर उठाओ, लेकिन उस पत्थर को उठाकर, ईंटों को उठाकर, लाठी को उठाकर ना सब्सक्राइब बटन को ठोक के एकदम सब्सक्राइब कर दो मार के, ठीक है। धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत प्यार है, आप लोग की चित्र रुचि रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, ओके, थैंक यू वेरी मच।